अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि आपने उसे एज ए सोल प्रोपराइटर स्टार्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट करना चाहिए या एज ए बॉडी कॉर्पोरेट स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका लीगल स्टेटस तय करना। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी स्पेसिफिकेशन और आपकी लिमिटेशंस क्या है। क्या आप आपका बिजनेस बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप आपका बिजनेस पैन इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते हो, या आप आपका बिजनेस पर्टिकुलर किसी रीजन तक सीमित रखना चाहते हो। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिस्क कैपेटाइट कितना है, या इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा है तो आपका बिजनेस उतने बड़े स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लिमिटेड है तो आपको उसके हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक और जरूरी बात कि आपके बिजनेस पे टैक्सेशन का क्या रोल रहेगा, कि आपको लीगली क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या कंप्लायंसेस करने होंगे, आपके बिजनेस को इनकम टैक्स जीएसटी उसका क्या रेट लगेगा, और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर आपके क्या क्या रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल होंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस के स्टेटस के ऊपर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या बिजनेस के ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन से स्टेटस आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, आप टोटल 5 तरीकों से आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक छठा तरीका भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, लेकिन उसके कुछ अपने रिजर्वेशन है जो हम लास्ट में देखेंगे। तो पहला तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का। एक पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसे बस अपना करंट अकाउंट ओपन करना है। एक बार उनका करंट अकाउंट अगर ओपन हो जाता है तो बस वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस हेड के अंडर, इस टाइप के अंडर आपको ज्यादातर कुछ नहीं करना है, नॉर्मली सिर्फ आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, जो एक आपके बिजनेस का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना होगा। इसके साथ साथ आप आपका बिजनेस सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज आप इसमें कर सकते हैं कि आपको अपने आप जो स्टेट में रह रहे हो वहाँ का आपको क्या लॉ अप्लीकेबल है उसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन देखना होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आपका एक शॉप एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आपका बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के अंडर स्टार्ट करना एक और ऑप्शन है। इस केस में क्या होगा, आपको नॉर्मली आपका पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करना पड़ेगा, उस डीड के अंडर में आपको आपका पैन कार्ड निकालना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंडर भी ऑलमोस्ट जीरो कंप्लायंसेस है, बस आपको ये देखना होगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको और कौन से एडिशनल कंप्लायंसेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा है, दो पार्टनर्स मिलकर अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना जा रहा है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में आपको जीएसटी का अप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल, अगर वो जो थ्रेशोल्ड है अगर वो एक सर्टन लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका इनकम टैक्स ऑडिट का क्या अप्लीकेबिलिटी होता है। इसके अलावा आपको यूजुअली ज्यादा कुछ करने की जरूरत यहाँ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। ये दोनों केसेस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको जीरो कंप्लायंसेस देखने हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपको करके आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका कंप्लायंस ऑलमोस्ट जीरो रहे या ना के बराबर रहे तो आप ये दोनों हेड को प्रिफर कर सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जिनके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनके साथ आपका पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उस पर आपका शेयरिंग रेशियो 50-50 है तो आपको 1 लाख और आपके जो पार्टनर है उनको 1 लाख कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस केस में आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो भी 50-50 रहेगा और सेम लॉस के लिए भी सेम रेशियो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तीसरा तरीका है LLP। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ही टाइप है, बस इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि LLP आपको अंडर MCA फॉर्म करना पड़ेगा जिसकी कुछ सर्टन कंप्लायंसेस आपको अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आप अगर LLP फॉर्म करते हैं तो ये भी पार्टनरशिप फॉर्म जैसे ही, आपको मिनिमम 2% इसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। आप दो लोगों को मिला के एक LLP फॉर्म कर सकते हैं, आपको MCA के अंडर में आपका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपके जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को अप्लीकेबल थी, वो सारे कंप्लायंसेस करके आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
चौथा तरीका है वन पर्सन कंपनी का। वन पर्सन कंपनी जैसे आप नाम से समझ सकते हो कि सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी की कंपनी, जिसके अंडर आप होल एंड सोल डायरेक्टर भी रहेंगे, शेयर होल्डर भी रहेंगे। इस पे एक चीज है कि आपको अंडर MCA आपका रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जैसे आपने LLP फॉर्म में लिया था। LLP के केस में दो पार्टनर थे, मिनिमम टू पार्टनर्स आपको रिक्वायर्ड थे। OPC के केस में आप सिंगल पर्सन भी मिलके भी अंडर MCA अगर आप आपका सर्टिफिकेशन करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, तो आप आपकी OPC रन कर सकते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी मैं सिंगल हैंडेडली अपनी कंपनी रन कर रहा था, OPC में भी मैं सिंगल हैंडेडली रन कर रहा था, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको नॉर्मली सिर्फ आपका करंट अकाउंट ओपन करना था और आप आपका बिजनेस कर सकते थे। OPC के केस में आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा MCA से, उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, देन उसके बाद आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों चीजों में फर्क है दोस्तों। उस पर आपको ये चीज देखना होगा कि OPC के लिए पहले आपको आपके बिजनेस का यूनिक नेम डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मैं अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रख देता हूँ, तो रिलायंस ये नाम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी पब्लिक कंपनी बन चुकी है और वो वेल रेप्यूटेड कंपनी, ग्लोबली रिनाउंड है, तो आप उस कंपनी के नाम के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में पहले आपको अपना बिजनेस का नाम तय करना पड़ेगा, जो आपको अपने ROC से अप्रूव करवा के लेना पड़ेगा, देन वो उसको अप्रूव करने के बाद आप आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद की प्रोसीजर क्या रहेगी? नॉर्मल प्रोसीजर रहेगी, जैसे बाकी बिजनेस को अप्लीकेबल थी। पांचवा टाइप है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। इस टाइप के अंडर आपको मिनिमम 2 पर्सन को मिलकर आपकी कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। ये कंपनी भी अंडर MCA गवर्न होती है। MCA से आपके अप्रूवल लेने के बाद आप लाइसेंसिंग लेके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके इसमें भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रिलेटेड टू योर नेम, योर कंपनी नेम, एंड देन आपके बाद अगर MCA से सारे कंप्लायंसेस हो जाते हैं, आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी, एंड देन डन, आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारे 5 टाइप के अंडर हमारा सर्टिफिकेट, हमारा रजिस्ट्रेशन सब रिक्वायरमेंट करने के बाद हमारे लिए कौन सा टाइप बेटर होगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंडर में और कौन से रजिस्ट्रेशन हमको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में जैसे हमने देखा कि हमें कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करना है हमारे बिजनेस का, एंड देन हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज आपको और देखनी है कि आपकी GST की लाइबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में हो, तो जैसे कि महाराष्ट्र में है ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाता है, या सर्विसेज में अगर आप 20 लाख क्रॉस करते हो, तो आपको GST नंबर निकालना मैंडेटरी है। GST के लिए आपको अप्लाई करके आपको सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका बिजनेस आप रन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में भी आप देखोगे तो नॉर्मली सिर्फ आपको एक एडिशनली पार्टनरशिप डीड निकालना कंपलसरी है। इसके अलावा आपको और कोई एडिशनल कंप्लायंसेस की जरूरत यूजुअली नहीं है, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेट में हो तो आपको वो कंप्लायंस देखना जरूरी होगा। इसके अलावा आपको एडिशनली एक चीज और देखना है कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो अंडर रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के अंडर रजिस्टर करना कंपलसरी है या नहीं। अगर वो रिक्वायरमेंट है, तो आपको आपकी फॉर्म पहले ROF में रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपकी प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। यूजुअली 90% फॉर्म इंडिया में अनरजिस्टर्ड बेसिस पे रन होती है, तो आप अपनी फॉर्म रन करने के लिए आपने अगर आपका अनरजिस्टर्ड बेसिस पे आपकी फॉर्म रजिस्टर किया भी है, तो आप आपका बिजनेस रन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं LLP, OPC, प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों केस में आपको MCA के अंडर आपका सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। जैसे हमने पहले ही देखा कि आपको आपका यूनिक नेम रजिस्टर करने के बाद, रिजर्व करने के बाद, आपको MCA से आपका सर्टिफिकेट अप्रूव करवाना है, और उसके बाद आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इस केस में आपके थोड़े जो कंप्लायंसेस है वो कुछ ज्यादा रहेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सारे कंप्लायंसेस टाइमली करके आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, अभी हमने देखी है हमारे कंपनी का मतलब, हमारे टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब, और उसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि आप कौन से नाम से आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप प्रोप्राइटरशिप के केस में आप कोई भी नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप जो नाम यूज कर रहे हो वो ट्रेडमार्क में या किसी कॉपीराइट में ना आए। ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आपका नाम
यूजुअली तो कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये चीज का ध्यान रखिए कि कहीं आपका नाम किसी ऐसी कंपनी के साथ या ऐसे बिजनेस के साथ रिसेम्बल ना हो जाए जो बिजनेस ऑलरेडी ग्लोबली ग्लोबली सेटल्ड है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है। LLP, OPC, प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों के केस में तो आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको MCA से आपका नाम प्रायर अप्रूवल करवाना होगा और देन उसके बाद में ही आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करते आएगा। उसके बिना आप आपका बिजनेस रन भी नहीं कर सकते और आपके रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्लियर नहीं होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पांचों टाइप्स में से लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कि आप जितना आपका बिजनेस करने के लिए आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वेदर फ्रॉम योर ओन फंड और फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ फंड, जैसे कि आप लोन लेके आपका बिजनेस कर सकते हो, अनसिक्योर लोन लेके आप आपका बिजनेस कर सकते हो। तो इस चीज में दोस्तों आपको ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, इस केस में अगर आपने कोई एक्सटर्नल फंडिंग लिया है तो उस केस के लिए आपकी लाइबिलिटीज कितनी होगी, आप उस फंड के लिए पर्सनली लाइबल रहोगे या सिर्फ कंपनी लाइबल रहेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने अभी पांच टाइप देखा, इस केस में अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म की, तो इस केस में पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स दोनों पर्सनली लाइबल रहेंगे। कैसे? अब ये जानने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करके 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए आपने 10 लाख रुपए का फंडिंग लिया हुआ है, तो आपका जो बिजनेस का 5 लाख का प्रॉफिट था वो प्लस आपको एडिशनली 5 लाख रुपए आपके ओन फंड ओन कैपिटल से भी इन्वेस्ट करके वो रिपे करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी फंडिंग लेते हैं तो उसके लिए पार्टनर और प्रोप्राइटर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इन्वेस्ट करके उसको सेल आउट करके भी वो जो लाइबिलिटी है उसको नील करना पड़ेगा। समझो कल चल के अगर आप वो चीज को रिपे नहीं कर सकते हैं तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो सारे के सारे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लाइबल समझ सकते हैं। या अगर मैं बात करूँ LLP, OPC और प्राइवेट लिमिटेड की, तो इस केस में डायरेक्टर्स और डिजिग्नेटेड पार्टनर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है। इस केस में उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होती है जितना उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है एज अ डायरेक्टर या एज अ डिजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसकी लाइबिलिटी उसी तक लिमिट रहेगी जितना उसका रेशियो है या जितना उसका शेयरिंग है। उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल असेट्स है, वो यहाँ पे लाइबल नहीं रहेगी। तो इस केस में आपको बेनिफिट ये है कि आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है, इसके ऊपर आप लाइबल नहीं रहोगे। जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है आप उतने अमाउंट को लेके ही लाइबल रहेगी। तो पांचवा पॉइंट है मेंबर्स का। तो जैसे ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दोस्तों कि सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में आप सिर्फ एक सिंगल पर्सन के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको मिनिमम 2 पर्सन का रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके साथ ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। LLP के केस में आप भी आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा और मैक्सिमम आप कितने भी पार्टनर ऐड कर सकते हैं। OPC के केस में एक डायरेक्टर और एक नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है कि दोस्तों की फॉर एग्जांपल अभी कभी कंपनी में कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आती है तो उस केस में एक नॉमिनी पर्सन आपको ऐड करना OPC के केस में कंपलसरी है। पार्टनरशिप फर्म के केस में आप देख सकते हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 पर्सन आप उस पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लो कि हमारा बिजनेस टाइप डिसाइड हो गया, हमारा नाम डिसाइड हो गया, हमारा बिजनेस रन हो गया। अब बात आती है गवर्नमेंट ड्यूज की, मतलब टैक्सेशन की और मतलब इनकम टैक्स की। तो इस केस में आप देख सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में आपको एज पर इनकम टैक्स लैब टैक्स देना होगा। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में आपको फ्लैट 30% टैक्सेशन है। कि जैसे कि मान लो कि आपका नेट इनकम है 1 लाख रुपए, तो इसका 30% मतलब 30,000 फ्लैट आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। इस केस में मैंने किसी भी सेल्स और एजुकेशन सेल्स को इंक्लूड नहीं किया है, वो हर केस में कॉमन है। मतलब आपके पांचों टाइप्स में आपको सेल्स और एजुकेशन सेल्स लागू होगा जो आज की तारीख में 4% है। LLP के केस में आप देख सकते हैं कि फ्लैट 30% आपको टैक्स लगेगा। OPC के केस में और प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप देख सकते हैं 22%, 25%, 30% उनके टर्नओवर के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप और LLP के केस में टैक्सेशन को लेके कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन कंप्लायंस को लेके ह्यूज डिफरेंसेस है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको कोई भी कंप्लायंस एप्लीकेबल नहीं था,
लेकिन एलएलपी के केस में आपको एमसीए के सारे एनुअल फाइलिंग्स करवाने कंपलसरी है। अगर आप आपकी एलएलपी फॉर्म करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको एमसीए के साथ में जो एनुअल फाइलिंग्स करनी है वो भी टाइमली हो जाए, सो दैट आपको फ्यूचर में उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। अब एक और सबसे कॉमन सवाल कि अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप आपका बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस केस में आपको सेपरेट पैन कार्ड लेना होगा। नहीं दोस्तों, आपको सेपरेट पैन कार्ड नहीं लेना होगा, जो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड है वही आपके बिजनेस का पैन कंसीडर किया जाएगा और उसी के अंडर आप आपका बिजनेस रन कीजिए। आपका सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने आपका करंट अकाउंट ओपन किया है तो बस आपको उसके आगे कोई एडिशनल कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं है, आपका आपका बिजनेस आप स्मूथली रन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म बनने के बाद, आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होने के बाद आपको उसके सेपरेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका इंडिविजुअल पैन और पार्टनरशिप पैन दोनों डिफरेंट रहेगा इन पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी सेम आपका सेपरेट पैन कार्ड इनकम टैक्स की ओर से इशू होगा और आपके जो टैक्सेशन है उसके अंडर ही आपको करवाना होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन से बिजनेस के लिए कौन सा टाइप अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर रीजन में बिजनेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका कंप्लायंस ऑलमोस्ट जीरो रहे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म के अंडर आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उस केस में आपको ऑलमोस्ट जीरो कंप्लायंसेस फेस करने हैं और एडिशनली आपको कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइप है ये कौन से बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल है, आप देख सकते हो। रिटेल ट्रेडिंग, अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप एज अ फ्रीलांसिंग आपकी कोई सर्विस दे रहे हो मैन पावर सप्लाई के लिए और कंसल्टेंसी फॉर्म के लिए, आपको आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ओपीसी की। दोस्तों, 1% कंपनी अगर आप फॉर्म करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1% कंपनी के अंडर में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाता है या आपका पेडअप कैपिटल 50 लाख के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो आपको आपकी 1% कंपनी को कंपल्सरीली प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस स्टेटस के अंडर अगर आप आपका बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका बिजनेस का टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंडर ही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बिजनेस टाइप है, ये बिजनेस टाइप रेस्टोरेंट और फ्रेंचाइजी मार्केट, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कौन सा टाइप सुटेबल होता है, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में यूजुअली हाई टर्नओवर कंपनीज, मर्जर एक्विजिशन, एक्सटर्नल फंडिंग अगर आप किसी बाहर से फंडिंग लेना चाहते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप फॉर्म करना चाहते हैं तो वो बिजनेस आप प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यूजुअली वही कंपनी फॉर्म होती है जो बड़े लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करती है या पैन इंडिया बेसिस पे अपना बिजनेस रन करना चाहती है। तो इसके लिए किसी को अगर एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर या सेल्स रेशियो बहुत ज्यादा है, वो कंपनी यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड के स्टेटस के अंदर फॉर्म होती है। अब बात करते हैं हमारे छठे बिजनेस टाइप की, जो है एचयूएफ। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये एचयूएफ होता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे, ये चारों मिलकर एक बिजनेस रन कर रहे हैं और चारों अपने हिसाब से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस में दे रहे हैं। अब इस इनकम, इस बिजनेस से जो इनकम अराइज होगी तो लॉजिकली देखा जाए तो उस पर चारों का शेयर बटना चाहिए। तो यही पर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में आपको ऑप्शन होता है कि आप आपका एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म करने के बाद आपको उसके सेपरेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक न्यू पैन कार्ड के अंडर आपकी जो एज अ ग्रुप आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो इनकम आप एज अ एचयूएफ उसकी टैक्सेबिलिटी आप सरकार को दे सकते हैं। ये ऑप्शन हिंदू, जैन और सिख फैमिलीज के लिए अवेलेबल है। इसपे अगर मैं बात करूँ टैक्सेबिलिटी की, तो इसपे इनकम टैक्स के अंडर में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को टैक्सेशन अप्लीकेबल है, सेम एज पर इनकम टैक्स लैब आपको एचयूएफ के अंडर भी टैक्सेबिलिटी अप्लीकेबल होगी। तो दोस्तों, हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको बिजनेस रिलेटेड जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी टाइप्स अवेलेबल है, उस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। आपकी अगर इस रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, थैंक यू।